आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हम लोग रोज़ कंप्यूटर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल के क्लास के अंदर हम लोग 175 प्रश्नों को सॉल्व किए थे जो कि मेमोरी से संबंधित थे। प्राथमिक मेमोरी के प्रश्न देखे, सेकेंडरी मेमोरी के प्रश्न चल रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 176 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों एक USB डिस्क तक डाटा संग्रहित कर सकती है। आपको बताना है एक USB जो डिस्क होती है कितने डाटा तक संग्रहित कर सकती है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 17 GB तक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 177। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्ड डिस्क। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 178। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है, नहीं पूछ रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फ्लैश ड्राइव। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी रैम, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड, ये तीनों के तीनों हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179। क्वेश्चन कह रहा है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह एक प्रकार का द्वितीयक स्टोरेज है, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज है। डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 180। क्वेश्चन कह रहा है, एक CDRW डिस्क है, तो बताना है कौन सा है? तो यहाँ देखेंगे आंतरिक डिस्क की तुलना में अधिक द्रुत स्पेस वाली होती है, ये बात गलत है। सेकंड देखेंगे, ऑप्टिकल डिस्क का एक रूप है इसलिए इसमें केवल एक बार लिखा जा सकता है, ये भी आंसर नहीं है। दो ऑप्शन और बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि कौन मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, को मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है, यही आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 181। क्वेश्चन कह रहा है, 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? आपको बताना है 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 65,536। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 182। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है दोस्तों, सही कथन का यहाँ पर आंसर देना है। फर्स्ट देखेंगे, CD-ROM एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता, ये बात गलत है। CDR और CDRW दोनों ऑप्टिकल डिस्क है, ये भी बात गलत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ना तो एक ना ही सेकेंड, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 183 पर। क्वेश्चन कह रहा है, CD-RAM और CDRW में क्या अंतर होता है? दोनों में अंतर बता देना है, क्या अंतर होता है? तो आपको यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि CD और RW में राइट लिखा जा सकता है लेकिन CD-ROM में केवल रीड किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। CD-ROM में केवल रीड किया जा सकता है और CDRW में राइट लिखा जा सकता है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 184 पर। क्वेश्चन नंबर 184 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आभासी प्रदर्श इकाई का उदाहरण है? आपको बताना है कौन सा VDU का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि CRT मॉनिटर, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185। क्वेश्चन कह रहा है, रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय किसके? तो राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव के। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 186। क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है तो वो हो जाएगी दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर TA के एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है या
किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को दोस्तों आप लोग पूरा पूरा पढ़ के जाइए, जितने सीरीज हैं सभी सीरीज को देख डालिए, इससे ज़्यादा कहीं से पूछेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 187 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक भंडार होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्ड ड्राइव में, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 188। क्वेश्चन कह रहा है हार्ड डिस्क की आंतरिक या ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व होता है, तो यहाँ पर बता देना है दोस्तों से अधिक होता है, यानी हार्ड डिस्क की आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से अधिक होता है, ये आपको याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 क्वेश्चन कह रहा है 8 रिकॉर्डिंग सतहों और प्रति ट्रैक 4 भाग वाली एक हार्ड डिस्क पर विचार करें, यदि कुल भागों की संख्या 320 है तो प्रति रिकॉर्डिंग सतह पर कितने ट्रैक होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10। किस प्रकार होंगे उसको भी देख लेंगे, यहाँ पर दिया है रिकॉर्डिंग सतह 8, प्रति ट्रैक भाग 4, कुल भागों की संख्या 320 है, प्रति रिकॉर्डिंग सतह का ट्रैक निकालने के लिए 320/32 बराबर आ जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 190। क्वेश्चन करें फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी ट्री संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 191 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह हैं और हर सतह पर 16 ट्रैक हैं जो 8 सेक्टर में विभाजित हैं, तो हार्ड डिस्क की सिलेंडर की संख्या कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 16, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 192। निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, बताना है एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, इस चारों ऑप्शन में से बताना है, तो हार्ड डिस्क जो है दोस्तों ये सेकेंडरी डिवाइस है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है, तो वो हो जाएगा दोस्तों द्वितीयक स्टोरेज का उदाहरण है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 194। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक नॉन वेलेटाइन कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जिसमें उच्च गति से घूमती चुंबकीय डिस्क या प्लेट मौजूद होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 195। SSD का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पूर्ण रूप आपको बता देना है सॉलिड स्टेट ड्राइव, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 196। क्वेश्चन कह रहा है CDS का आकार कैसा होता है, तो आपको बता देना है आकार इसका जो होता है गोल होता है दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 197। क्वेश्चन नंबर 197 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे CDR एक पुनर्लेखन डिस्क है जो पहले से रिकॉर्ड किए गए डेटा को मिटाने और नए डेटा को इस पर लिखने की अनुमति देता है, ये बात गलत है। CDRO में RW अक्षरों का अर्थ रीड एंड राइट है, ये भी बात गलत है, तो यहाँ पर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों ही यहाँ पर गलत है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों CDR इस प्रकार का कम्पैक्ट डिस्क है जो कि केवल एक बार रिकॉर्ड करने में काम आता है, जबकि CDRW का पूरा नाम कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल होता है। यह सर्वप्रथम 1997 में प्रदर्शित किया गया था, अतः उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 198। क्वेश्चन कह रहा है एक कम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लेजर का, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199। डिस्क एक्सेस टाइम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, सीक टाइम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ देख सकते हैं डिस्क में डेटा को हेड द्वारा रीड करने के लिए किया गया समय डिस्क एक्सेस टाइम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 200 पर। 200 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिपत्र डिस्क
जो एक हार्ड ड्राइव का निर्माण करते हैं कहे जाते हैं? तो राइट आंसर बता देना है दोस्तों, थालियां। 201 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हार्ड डिस्क ड्राइव। सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। क्वेश्चन नंबर 202 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम 354 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा DVD का पूरा रूप है? पूरा रूप बताना है किसका? DVD का। तो आपको बता देना है दोस्तों, डिजिटल बहुमुखी डिस्क। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 203 पर। क्वेश्चन करा है DVD के लिए संक्षिप्त रूप है, अभी अभी बताया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 204। क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क, ये भी सेकेंडरी है। उसके बाद देखेंगे फ्लॉपी डिस्क, ये भी है, लेकिन यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है रैम, ये सेकेंडरी नहीं है, ये प्राथमिक है। और यहाँ पर फोर्थ देखेंगे कम्पैक्ट डिस्क, यानी 1, 2 और 4, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205। 205 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा हाई डेफिनेशन वीडियो की रिकॉर्डिंग और रीराइट और फ्लेबैक को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लू रे डिस्क, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 206 नंबर क्वेश्चन करा है, 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो किस प्रकार की डिवाइस है दोस्तों? तो यह एक प्रकार की स्टोरेज है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 207 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, एक कम्पैक्ट डिस्क यानी CD किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह प्रकाशिक होती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 208 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, CAD का पूर्ण रूप क्या होता है? CAD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपको बता देना है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 209 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्टिकल डिस्क एक प्रकार का उदाहरण है किसका? तो राइट आंसर हो जाएगा कम्पैक्ट डिस्क का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 210। क्वेश्चन कह रहा है, 1.5 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? तो कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? तो 1.4 MB आंकड़े जमा हो सकते हैं, सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 211। क्वेश्चन कह रहा है, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.44 MB, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 212 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? चलिए ऑप्शन देख ले, चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि एक्यूएटर, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार है? तो राइट आंसर यहाँ पर बता देना है दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हैं, यानी CD है, DVD है और Blu-ray है, तीनों हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 214 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में कौन सा मेमोरी डिवाइस है? तो मेमोरी डिवाइस बता देना है फ्लॉपी डिस्क जो है, ये मेमोरी डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, ये चारों तरफ घूम सकता है। क्वेश्चन नंबर 216। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लॉपी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 217 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंडेक्स हॉल संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क से, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, जो डिवाइसें इन्फॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए उनका प्रयोग करता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों स्टोरेज डिवाइसें कहते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
219 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चिप ड्राइव का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीडी और डीवीडी, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 220 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है, आपको बताना है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है, यानी कि डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, क्या होती है? तो आपको बता देना है दोस्तों, एक प्रकार की रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 221, क्वेश्चन कर रहा है डीवीडी का अर्थ क्या है? तो अभी अभी बताए हैं डीवीडी का अर्थ होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था तो डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 223, सीडी और डीवीडी, यहाँ पर बताना है दंतुरता को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या कहा जाता है सीडी और डीवीडी को? तो आपको बता देना है, इसको गर्त के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन देखेंगे 224, क्वेश्चन कह रहा है ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है, यह परंपरागत डीवीडी से किस प्रकार भिन्न है? किस प्रकार भिन्न है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, डीवीडी मानक परिभाषा वीडियो को समर्पित करता है, जबकि बीडी उच्च परिभाषा वीडियो को समर्थित करता है, ये बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, डीवीडी की तुलना में वीडी फॉर्मेट का भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है, ये भी बात ठीक है। बीडी की मोटाई 2.4 mm है, जबकि डीवीडी की मोटाई 1.2 mm है, ये बात गलत है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 1 और 2 हमारे सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 225, ब्लू रे डिस्क एक है, तो यह एक प्रकार की दोस्तों डाटा संग्रहण प्रणाली है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 226 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, इनमें से कौन सा एक डीवीडी की तुलना में अधिक डेटा संग्रह करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन ब्लू रे डिस्क, सी ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 227 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हार्डवेयर बताना है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़े के बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? तो उसको दोस्तों हम लोग चुंबकीय टेप के नाम से भी जानते हैं और डिस्क के नाम से भी जानते हैं, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 228 पर, क्वेश्चन नंबर 228 स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम इनपुट और आउटपुट भंडारण करने वाला होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 229 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है क्योंकि मैग्नेटिक टेप है। तो मैग्नेटिक टेप क्या है दोस्तों? तो यह एक प्रकार का रिक्वेशियल एक्सेस मीडिया है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रिक्वेशियल एक्सेस मीडियम है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 230, क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय संचयन तंत्र बताना है किस्म निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? चुंबकीय संचयन तंत्र की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन कंपैक्ट डिस्क। 231 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को क्या कहते हैं जिससे सूचना रखी जा सकती है? तो इसको हम दोस्तों पोर्टेबल कहते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 332 कह रहा है, एक बताना यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, में चुंबकीय डिस्क होती है जिसे प्लेट्स कहा जाता है जो कि डेटा रिकॉर्ड और स्टोर करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा हार्ड डिस्क, यानी कि एक हार्ड डिस्क में चुंबकीय डिस्क होती है जिसे प्लेट्स कहा जाता है जो कि डेटा रिकॉर्ड और स्टोर करता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 233, क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है किस पर? तो बता देना है दोस्तों, यानी कि भुजाओं पर भी करती है और रिकॉर्डिंग घनत्व को भी, और यहाँ पर ट्रैक की संख्या पर, यानी ए और बी और सी तीनों हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलते हैं 334 पर। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन एक क्रमिक एक्सेस मेमोरी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नेटिक टेप। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 235 नंबर पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है, तो यह एक प्रकार का दोस्तों एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडार इकाई है। बी यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 236 नंबर क्वेश्चन करा है फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं, तो इसको दोस्तों पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 237 पर। 237 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है USB संग्रहण युक्ति का कौन सा प्रकार है, तो राइट आंसर बता देना है द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 238 पर। क्वेश्चन करा है USB का संक्षिप्त नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास के अंदर 354 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आप परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 239 कह रहा है निम्न में से कौन सी पोर्टेबल यानी कि USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है, जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे में डेटा आंतरिक करने के लिए प्रयोग में किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेन ड्राइव। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 240। क्वेश्चन कह रहा है आलिया के पास 2600 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB डेटा है, इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से भंडारण क्षमता वाले एक USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10 GB यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 241 पर। 241 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रखा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं या क्या कहलाता है, तो चिप के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 242 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो ये प्रयुक्त होते हैं दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 243 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा IO डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेप ड्राइव। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 244 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेकेंडरी स्टोरेज किस प्रकार की मेमोरी है, तो सेकेंडरी स्टोरेज एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 245। क्वेश्चन कह रहा है CD-ROM निम्नलिखित का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो आपको बता देना है दोस्तों इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 246 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा क्या दर्शाया जाता है, तो दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क दर्शाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 247 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है, तो CD-ROM का पूर्ण रूप हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 248। क्वेश्चन कह रहा है CD-ROM है, तो क्या है CD-ROM, तो ये हो जाएगा दोस्तों स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 249 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राउंड और साइनी पोर्टेबल डिस्क जो कि बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन स्टोर करती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर CD-ROM। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 250 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 251 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंस्टॉलेशन के नाम से जानते हैं। ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 252 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं, आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 253। क्वेश्चन कह रहा है फ्लॉपी डिस्क पर डाटा नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि राउंड्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 254। क्वेश्चन कह रहा है फाइलों को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
255 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? तो ऑप्टिकल डिस्क का नाम बता देना है दोस्तों, वो राइट आंसर हो जाएगा। वर्म डिस्क जो है एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क है। क्वेश्चन नंबर 256, क्वेश्चन कह रहा है WORM का पूर्ण रूप क्या होता है, पूरा नाम आपको बताना है। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों राइट वर्स रीड मेनी, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 257, क्वेश्चन कह रहा है SSHD मेमोरी के संदर्भ में SSHD का पूर्ण रूप क्या है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258 स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन भारित कोड है, यहाँ पे बताना भारित कोड कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, BCD यहाँ पर भारित कोड है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 259, क्वेश्चन कह रहा है खोज काल बहुत समीक्षात्मक और छोटा होने पर किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि एसोसिएटिव मेमोरी, डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे मेमोरी माप से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 260 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटिंग में एक निम्बल्स के बराबर होता है, एक निम्बल्स बराबर होता है 4 बिट्स, एक निम्बल बराबर होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं 1 बिट्स यानी कि 0 अथवा 1, 4 बिट्स 1 निम्बल, 8 बिट्स 1 बाइट, 1024 बाइट्स 1 KB, 1024 KB 1 MB, 1024 MB 1 GB, तो ये डाटा आपको याद रखना है। 261 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन करा 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 124, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोबारा देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है, 1 बिट 0 या अथवा 1 होता है, 4 बिट 1 निबल्स, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB 1 MB, उसके बाद 1024 MB 1 GB, 1024 GB 1 TB और 1024 TB बराबर 1 PD, उसके बाद देखेंगे 1024 PB तो वो हो जाएगा 1 EB, 1024 EB तो ये हो जाएगा 1 ZB और 1024 ZB के बराबर 1 YB। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 262, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1 MB का सही मूल्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 1024 KB। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 163, यहाँ पे 263 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न माप को स्मृति की उच्चतर इकाइयों से व्यवस्थित करें, उच्चतर इकाइयों से व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले ए आ जाएगा गीगाबाइट, उसके बाद सी टेराबाइट, उसके बाद बी पेटाबाइट, उसके बाद देखेंगे ई एक्स्ट्राबाइट, उसके बाद डी देखेंगे जीटाबाइट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि ACBED। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 164, क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है, निब्बल क्या है ये आप बताना है, तो ये हो जाएगा आधा बाइट, यानी कि हाफ बाइट निब्बल कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 1 KB 1024 बाइट, 1 MB 1024 KB, 1 GB 1024 GB, 1 TB बराबर 1024 GB यानी GB। 265 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 KB में कितने बाइट्स होते हैं बाइनरी में, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2048। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 266, 266 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर स्पीड को निम्न में से किस में मापा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों MIPS के रूप में मापा जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 267, निम्नलिखित के बीच कौन सा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा KB जो है सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 268 पर, 268 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सी सबसे कम और सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें 1 बाइट स्मृति स्थान में संग्रहित किया जा सकता है, ध्यान दें
पूर्ण संख्याएं गिनती की मूल संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 0255। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 269 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट और गीगाबाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि सबसे पहले किलोबाइट आएगा, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 270 पर। यहाँ दोस्तों दोबारा देख लेंगे, सबसे पहले किलोबाइट आएगा, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, इस प्रकार से इसको व्यवस्थित करेंगे। 270 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है GB में, जिसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य हो जाएगा दोस्तों गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 271। क्वेश्चन कह रहा है 1 GB के बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1024 MB के बराबर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 272। क्वेश्चन कह रहा है आप 1024 GB को कैसे परिभाषित करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1 TB। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 4 बिट बराबर 1 NB, 8 बिट्स बराबर 1 byte, 1024 byte बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB, यानी कि टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 273। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? सही संबंध नहीं है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 1 GB बराबर 1024 KB नहीं होता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 1 byte बराबर 8 bits, 1 KB बराबर 1024 byte, 1 GB बराबर 1024 MB, 1 TB बराबर 1024 GB। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 274। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मेमोरी का न्यूनतम परिणाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि गीगाबाइट। यहाँ पर मेगाबाइट, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं मेगाबाइट 1024 KB, गीगाबाइट 1024 MB, टेराबाइट 1024 GB, पेराबाइट 1024 TB। क्वेश्चन नंबर 275। क्वेश्चन कह रहा है मेमोरी क्षमता की माप से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी HB। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 276। क्वेश्चन कह रहा है किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि स्टोरेज क्षमता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 277। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 278। क्वेश्चन कह रहा है माप की निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी माप इकाई आकार में सबसे अधिक है? सबसे अधिक पूछा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि PB, यानी पेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 279 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का सही मिलाप करिए, सही मिलाप करना है। फर्स्ट का 1 byte बराबर कितना होगा? तो ये हो जाएगा 0 या 1। 1 NB कितना होगा? तो 1 NB हो जाएगा दोस्तों 4 bit के बराबर। 1 byte कितने बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 bit के बराबर। 1 GB किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4th ऑप्शन के साथ, यानी कि 1073 या 741 या 824 bytes। यहाँ पर 1 MB कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1048 576 bytes। इस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। यहाँ देखेंगे बिट 0 या 1, निबल 4 bits, 1 byte 8 bytes के बराबर, 1 GB, 1073, 741 और 824 bytes के, ठीक है? तो यहाँ पर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 280। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिट, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 281 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि बाइट। क्वेश्चन नंबर 282। 1 KB बराबर होता है, 1 KB बराबर होता है
तो राइट आंसर हो जाएगा 124 बाइट। 283 नंबर क्वेश्चन, 4 किलोबाइट मेमोरी में कितने बाइट होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी 4096। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 4096 बाइट होंगे, याद रखेंगे। 284 नंबर क्वेश्चन, 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो इसको दोस्तों बाइट के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 285 पर। 285 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 256। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 बिट बराबर 0 या 1, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1 बाइट बराबर 256 मूल्य। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 286। क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि टीबी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टीबी, 1024 GB का 1 TB होता है, इसलिए सबसे बड़ा हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 287। क्वेश्चन कह रहा है कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि 1024, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 288 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन का चुनाव करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 KB = 1024 बाइट्स, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1024 बाइट = 1 किलो। यहाँ पर ध्यान देंगे 1024 बाइट = 1 KB, 1024 KB = 1 MB, 1024 MB = 1 GB, ये डाटा आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 289, कंप्यूटर शब्दावली में 1 GB के कितने बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि 1024 MB, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख लेंगे एक बार, 1024 बाइट = 1 KB, 1024 KB = 1 MB, 1024 MB = 1 GB, 1024 GB = 1 TB, 1024 TB = 1 PB, 1024 PB = 1 HB। क्वेश्चन नंबर 290, क्वेश्चन कह रहा है 4 बिट का एकत्रित समूह क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो निब्बल कहलाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों एक बार दोबारा देख सकते हैं, 4 बिट की एकत्रित समूह को निबिल कहते हैं, 4 बिट्स = 1 निबिल, 8 बिट्स = 1 बाइट्स, 1024 बाइट्स = 1 KB, 1024 KB = 1 MB, 1024 MB = 1 GB, 1024 GB = 1 TB। 291 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 TB में कितने GB होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा 1024 GB होते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा यहाँ पर देख सकते हैं 1 NB = 4 bits, 1 byte = 8 bits, 1 KB = 1 24 byte, 1 MB = 1024 KB, 1 GB = 1 GB = 1024 MB, 1 TB = 1024 GB, 1 PB = 1024 TB, 1 EB = 1024 PB, 1 ZB = 1024 EB, 1 YB = 1024 ZB। तो 1024 ZB। क्वेश्चन नंबर 292, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा 256 निबल्स के बराबर होता है, अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 128 बाइट्स, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 256 निबल = 128 बाइट्स के बराबर होता है। 293 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कंप्यूटर सिस्टम में सामान्यतः बड़ी मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए मेमोरी स्टोरेज होती है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्टोरेज स्पेस क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 294, 1 बिलियन बाइट्स लगभग किसके बराबर होते हैं, तो ये हो जाएंगे दोस्तों गीगाबाइट के, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 295, क्वेश्चन कह रहा है 32 KB में कितने बाइट होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि 32768, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 296, क्वेश्चन कह रहा है 1024 TB निम्न में से किसके बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि 10 PB, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
एक मिनट दोस्तों, 296 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 1 पेटाबाइट। यहाँ पर पूछा था 1024 टेराबाइट निम्न में से किसके बराबर होता है, तो 1 पेटाबाइट के बराबर होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 297। 297 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 बाइट का कलेक्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 8 बिट्स के, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स के कलेक्शन है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 बिट 0 या 1, 4 बिट 1 निबल्स, 8 बिट बराबर 1 बाइट, ये आपको याद रखना है। 298 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटा स्टोरेज निम्न में से कौन सा है, सबसे छोटा स्टोरेज पूछ रहा है कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नैनो बाइट, ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सबसे छोटा हो जाएगा नैनो बाइट, 1 बाइट के बराबर, फिर बाइट होगा 1 किलोबाइट के, फिर किलोबाइट होगा 1 मेगाबाइट के बराबर, फिर यहाँ पर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, ठीक है, इस प्रकार से सबसे छोटा हो गया नैनो बाइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 299। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 गीगाबाइट, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 300। क्वेश्चन कह रहा है निम्बल 4 बिट्स के बराबर है, तो वो हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 301। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, 1 बाइट बना होता है, तो 1 बाइट कितने का बना होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8 द्विआधारी अंकों का, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं 1 बिट बराबर 0 या 1, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 302। क्वेश्चन कह रहा है 1024 बाइट बराबर है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 KB के, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 303। कितनी बिट्स 1 बाइट के बराबर होती है, अच्छा क्वेश्चन है, तो 8 बिट्स, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 304। 8 बिट्स का एक समूह किस स्वरूप में होता है, तो ये स्वरूप हो जाएगा बाइट, डी ऑप्शन राइट आंसर। 305 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा 1 पेटाबाइट बराबर होता है, 1 पेटाबाइट बराबर होता है कितने के, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन 1024 टेराबाइट के, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 306 नंबर क्वेश्चन कह रहा है EMB का प्रयोग किया जाता है, तो MB का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि मेगाबाइट के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 307। क्वेश्चन कह रहा है 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1024। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 308। क्वेश्चन कह रहा है 1,000,000 यानी 1 मिलियन बाइट लगभग होती है, तो वो हो जाएगी दोस्तों मेगाबाइट, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 309। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी सबसे बड़े से फिर छोटे क्रम में कौन सा सही है, ये आपको बताना है। पहले TB आएगा, फिर GB आएगा, फिर MB आएगा, फिर KB आएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों दोबारा देख सकते हैं 0 बिट या 1, 4 बिट 1 निबल, 8 बिट 1 बाइट्स, 1024 बाइट, 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्टाबाइट, उसके बाद देखेंगे 1024 एक्टाबाइट बराबर जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट बराबर योटाबाइट। 310 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से जेटा, यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछ रहा है कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक्साबाइट, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 311। क्वेश्चन कह रहा है 1 EB के बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1024 PB बराबर, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB, 1024 TB बराबर 1 PB, 1024 PB बराबर 1 EB। क्वेश्चन नंबर
12, निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, टेराबाइट। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 313 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? सबसे बड़ा साइज पूछ रहा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि जोटाबाइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 314। क्वेश्चन करा है इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी साइज है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि जोटाबाइट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे छोटा देखें किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट। क्वेश्चन नंबर 315, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी केबी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 316। क्वेश्चन कह रहा है एक टीबी के बराबर कितने जीबी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, 1024 जीबी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 317। क्वेश्चन कह रहा है कितने गीगाबाइट एक पेटाबाइट के बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1024 × 1024। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 318, एक पेटाबाइट बराबर कितना? तो एक पेटाबाइट बराबर कितना होता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 1024 टीबी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, एक बिट बराबर बाइनरी संख्या, 4 बिट एक निबल्स, 8 बिट एक बाइट, 1024 बाइट एक किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर एक मेगाबाइट जिसको एमबी कहते हैं, 1024 मेगाबाइट एक जीबी यानी कि गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर एक टेराबाइट, 1024 टेराबाइट बराबर एक पेटाबाइट। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 319 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बाइनरी प्रणाली में एक गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, 1024। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 320 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, 1 गीगाबाइट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना सुबह 8 बजे आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके TA के एग्जाम के लिए, वनडे के हर एक एग्जाम के लिए जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 321। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक गीगाबाइट के बराबर होता है? तो राइट आंसर आपको बता देना है दोस्तों 1000 मेगाबाइट। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट या 1000 मेगाबाइट के लगभग, 1 किलोबाइट बराबर 124 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। क्वेश्चन देखेंगे 322। एक जीबी के बराबर कितने केबी होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1000 × 1024। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 1,48,576 केबी। क्वेश्चन नंबर 323 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा एक किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1024। इसको दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, निबल पढ़ लीजिएगा, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 324। एक गीगाबाइट के बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, 1 गीगाबाइट बराबर 124 मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 325। बिट संक्षिप्त कार का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि बिट का पूरा नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि बाइनरी डिजिट। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बिट या बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है, इसमें 2 अंक होता है यानी 0 और 1, जहाँ 0 का अर्थ होता है ऑफ तथा 1 का अर्थ होता है ऑन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 326। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है, 1 बाइट में बिट्स होते हैं कितने? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। यहाँ देख सकते हैं एक निबल पूछे तो 4 बिट, अगर 1 बाइट पूछे तो 8 बिट। क्वेश्चन नंबर 327। एक निबल बराबर होता है, तो जैसे सामने लिखा हुआ 4, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 328 पर। क्वेश्चन नंबर 328 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है चार बिट के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको निबल के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 329। क्वेश्चन कह रहा है 10 निबल बिट्स के बराबर होता है, कितने बिट के बराबर होता है? तो ये 40 बिट के बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 330। क्वेश्चन कह रहा है 100 निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो एक निबल बराबर 4 बिट, 100 निबल बराबर 400 बिट। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 331। क्वेश्चन कह रहा है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी 8। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 332। क्वेश्चन कह रहा है बिट का क्या मान हो सकता है, या बिट का क्या मान हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 0 या 1। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 333 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किलोबाइट मतलब केबी होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 334। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1 किलोबाइट के बराबर है? 1 किलोबाइट के बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8192 बिट्स। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 KB बराबर 1024 × 8 बिट्स हो जाएगा 8192 बिट्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 335। क्वेश्चन कह रहा है एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट्स होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि 1 KB। क्वेश्चन नंबर 336। द्वि आधारित प्रणाली में 1 किलोबाइट बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 1024 बाइट। बी ऑप्शन राइट आंसर। 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। एक यहाँ पर देखेंगे 337 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर में भंडारित आंकड़े प्राय किस रूप में भंडारित किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि बिट। 338 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बिट बताना है निम्न में से किसका छोटा रूप है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बाइनरी डिजिट का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 339। क्वेश्चन कह रहा है एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, 1 बाइट बना होता है। तो 1 बाइट बना होता है दोस्तों 8 द्विआधारी अंकों का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 340 पर। 340 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 1024 किलोबाइट बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 मेगाबाइट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 341। 1 MB निम्नलिखित बराबर होता है, तो 1 MB बराबर होता है दोस्तों 1024 किलोबाइट के। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 342। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा है, गलत कथन का चुनाव करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1 GB। यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1 GB बराबर 2 की पावर 30 बाइट होता है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 243। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर भाषा में MB निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि मेगाबिट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 344। बताना है मेमोरी भंडारण की इकाइयों में 1 जेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी 1024 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट बराबर 1 जेटाबाइट के। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 345 पर। 345 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोबाइट मेमोरी में कितने निबल्स होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2048। यहाँ देख सकते हैं 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 निबल बराबर 4 बिट। हमें ज्ञात करना है कि 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 बाइट बराबर 2 निबल्स, 1 KB बराबर 1024 × 2 बराबर 2048 निबल आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 346। 1 GB लगभग है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि 1 × 10 की पावर 9 बाइट्स। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 347। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 1 GB बराबर 1024 MB। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 348 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 GB बताना है दशमलव मान में,
दशमलव मान में बताना है तो दोस्तों यहाँ पर 1000 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 349 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों 1024 बाइट्स के, डी ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ दोस्तों देखेंगे, 1 निबल बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट यानी कि 2 निबल, 1 किलोबाइट यानी 1 KB बराबर 2 की पावर 10 बाइट्स बराबर 124 बाइट्स। यहाँ देखेंगे 1 मेगाबाइट यानी 1 MB 2 की पावर 10 किलोबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट बराबर 2 की पावर 10 मेगाबाइट यानी कि 1024 मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 350 स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि 1024 × 1024, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 351, क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट के बराबर होता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यानी कि 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। यहाँ दोबारा देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, 1 बिट यहाँ देखेंगे 0 या 1, 1 निबल 4 बिट, 1 बाइट 8 बिट, 1 किलोबाइट 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। 352 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 टेराबाइट किसने किसके बराबर होता है, तो 1 टेराबाइट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 20 मेगाबाइट के बराबर होता है। 353 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीसी रोम कम से कम संग्रहित यानी स्टोर कर सकता है कितने एमबी में, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 700 MB में स्टोर कर सकता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 354, क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर शब्दावली में निबल को भी कहा जाता है, निबल को क्या कहा जाता है, तो इसको दोस्तों आधा बाइट के नाम से भी जानते हैं, हाफ बाइट के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वन लाइनर, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं, उनको आप लोग एकदम याद कर डालिए, रट डालिए। यहाँ पे देखेंगे ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसको DVD कहते हैं, DVD का कभी कभी पूरा नाम पूछ ले तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यूजर द्वारा डाटा को 1 से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता CD यानी कि CD RW में है, कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने की सहायक है डिस्क ड्राइव, वह डिस्क जिसको हम इरेज या रियाइज किया जा सकता है, वो हो जाएगा CD RW डिस्क। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे प्रोग्रामों के सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है, इसका अर्थ क्या है, फर्मवेयर है, रैम में डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है क्योंकि रैम वोलेटाइल मेमोरी है, जो डिवाइसें इन्फॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इनको स्टोरेज के नाम से जानते हैं, प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी के नाम से जानते हैं, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस को क्या कहते हैं, केस के नाम से जानते हैं, रैम का एक उदाहरण है, तो रैम का उदाहरण यहाँ पर देखेंगे वोलेटाइल मेमोरी जो है ये रैम का उदाहरण है। CD RW का पूरा नाम क्या है, कंपैक्ट डिस्क यहाँ पर रिवाइटल, यहाँ पर देखेंगे स्थाई स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, कंप्यूटर के स्पेस को जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है क्या कहते हैं, तो रैम मेमोरी के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद देखेंगे वह मेमोरी यूनिट जिनको प्रोसेसर द्वारा अधिक तेज़ी से अभिगम किया जा सकता है वो है कैश मेमोरी, द्वितीयक संचयन यूनिट नहीं है रैम, रैम का पूर्ण रूप है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। इसके बाद देखेंगे लास्ट वन लाइनर हमारा, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जाने
की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, स्टोरेज क्षमता कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा को अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, तो स्टोरेज क्षमता कहते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी समाप्त हुई। आप लोगों को कैसे लगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहेगा सॉफ्टवेयर से संबंधित। यहाँ से हर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। कल मुलाकात करते हैं सुबह 8 बजे, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।